नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। गहराइयां अमेज़न प्राइम पे रिलीज हो चुकी है। कुछ दिन पहले उसका ट्रेलर आया था और हमने ट्रेलर देख के कुछ प्रेडिक्शंस लगाई थी कि ये फिल्म कैसी होने वाली है। प्रेडिक्शंस कुछ ऐसे लगे थे कि ये बेसिकली फिल्म चीटिंग के ऊपर है। दो कपल्स हैं, एक दूसरे से उनका टाइप होता है, वो मिलते हैं, बाद में दीपिका पादुकोण का अफेयर चल जाता है सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ और वो चीटिंग की ओवरऑल कहानी और कैसे उस चीटिंग के वजह से कुछ लोगों का लाइफ इफेक्ट होता है। और ये भी रिव्यूज़ आने लगे थे कि ये तो फिल्म अमीरों वाला है, हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनके पास पैसा कम है, बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा है। बट फिर भी ये जो फिल्म है बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। अगर आप हमारी रिव्यू इस वजह से देखने आए हैं कि आपको भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बोला जा रहा होगा कि ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं है, ये हमारे लिए कनेक्टेबल नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, तो काइंड ऑफ ये रिव्यू आपके लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि एक तो पहला ये स्पॉइलर रिव्यू नहीं है, हम बिना स्पॉइलर के इस फिल्म पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में काफ़ी कुछ ऐसा है जो सच में आपको देखना चाहिए। मिडिल क्लास बेस्ड फिल्म ना होने के कारण भी इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको शुरू से लेके आखिर तक बांध के रखती है। आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया शगुन बत्रा ने, यानी जिन्होंने कपूर एंड सन्स डायरेक्ट किया था। यानी कपूर एंड सन्स अगर आपने देखी हुई है तो आपको इनके काम के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये जब भी कोई अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो थोड़ा सा हटके होता है। और बहुत कम ऐसा होता है कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में बनाता है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कि कपूर एंड सन्स था। वैसे ही कुछ उम्मीदें हमें इस फिल्म से भी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जान झोंकी थी इस फिल्म में और ऐसा ही निकला ये फिल्म भी, और इसी उम्मीदों पर खड़ा निकला ये फिल्म। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शगुन बत्रा ने बहुत अच्छा काम किया सिनेमेटोग्राफी से लेके कलर मिक्सिंग, और ख़ास कर में इस फिल्म के जो गाने हैं या फिर जो म्यूज़िक पे काम किया गया है वो अपने आप में ही एक टैलेंट है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सिनेमेटोग्राफी, कलर और म्यूज़िक को एक साथ ले आके एक पर्टिकुलर सीन को काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं। आगे बात करते हैं एक्टर्स के बारे में। दीपिका पादुकोण ने अलीशा खन्ना का किरदार निभाया है, वहीं सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने जैन सिद्दीकी का किरदार निभाया है। आगे बढ़ते हैं, एक और कैरेक्टर अनन्या पांडे का, जो कि पिया खन्ना का किरदार निभा रही है, जो कि दीपिका पादुकोण की कज़न होती हैं। और जो दीपिका पादुकोण होती हैं उनके बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया है धैर्य कारवा ने, जिनका नाम है करण अरोरा। करण अरोरा और दीपिका पादुकोण एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। और सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे ने तिया खन्ना और जैन सिद्दीकी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले होते हैं, फियांसे होती है बेसिकली अनन्या पांडे सिद्धार्थ चतुर्वेदी की। और इसके साथ साथ इस फिल्म में हमें नसरुद्दीन शाह और करण कपूर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि चारों किरदारों ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। अब मैंने चार किरदार इसलिए बोले क्योंकि आप नसरुद्दीन शाह और करण कपूर से छोटी मोटी एक्टिंग की डिमांड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं आप स्क्रीन से अपनी नज़रें नहीं हटा सकते। इसलिए मैंने उनको इस एक्टिंग वाले में जोड़ा नहीं कि वो अच्छा करेंगे या खराब करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑब्वियसली अच्छा ही करते हैं। जो चारों किरदार हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाया, खासकर मैं अनन्या पांडे ने, क्योंकि अनन्या पांडे हमेशा से ही कमर्शियल फिल्मों में देखी जाती रही हैं और अपने स्टेटमेंट्स को भी लेके काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती हैं वो हमेशा सोशल मीडिया पे, और उनको एक मेथड एक्टर नहीं माना जाता है। लेकिन अब इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो आगे और भी बहुत ही अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि जिस किरदार में, जिस टेंस किरदार में उनको देखा गया इस फिल्म में वो सराहनीय था। अब बात कर लेते हैं फिल्म के स्टोरी के बारे में। जैसा कि आपने ट्रेलर देख के प्रेडिक्ट किया था कि एक चीटिंग के ऊपर कहानी होगी, दो लोगों के बीच अफेयर चल रहा होगा, उनके घर परिवार में पता चलेगा और घर परिवार में पता चलने के बाद से लोगों में लड़ाइयाँ होंगी और बस यही होगी कहानी। बट ये कहानी है, लेकिन इसको जितनी अच्छे तरीके से डेप्थ दी गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर चीटिंग को लेकर बहुत सारी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में, लेकिन इतनी डेप्थ किसी भी फिल्म में नहीं दी गई है। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने पास्ट के डीमन को मार देते हो तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होती। उसी पास्ट के डीमन से जूझ रही होती है दीपिका पादुकोण, यानी अपने पास्ट में उनके साथ कुछ घटा होता है जिसके कारण उनके पिता के साथ, यानी नसरुद्दीन शाह के साथ, उनका जो रिलेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है और उनका जो करियर भी होता है वो करियर भी उतने पीक पे नहीं पहुंच पाता जहां पे वो पहुंचना चाहती हैं। और इसके साथ साथ जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि धैर्य कारवा, करण अरोरा का जो उन्होंने किरदार निभाया है, तो जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी अपनी जॉब छोड़ के एक राइटर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ रहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये बात वहाँ पे दिखाई जाती है कि जो करण अरोरा है वो उसका प्यार, या फिर जो दीपिका पादुकोण का जो प्यार है वो उन दोनों के बीच में प्यार नहीं रहा, क्योंकि लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और जब भी ये सीन आता है तब मेरे जहन में वो वाला डायलॉग याद आता है कि
राहुल वाला यानी शाहरुख खान वाला डायलॉग याद आता है कि वो लोग बोलते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, हम किसी के लिए जीते एक बार है, किसी के लिए मरते एक बार है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सच में प्यार करते हैं या फिर अगर आपने किसी से प्यार किया हो तो आपको पता है कि प्यार होता है लेकिन एक बार नहीं होता, आपको बहुत लोगों से बहुत बार प्यार हो सकता है। इसके साथ साथ इस फिल्म ने ये भी दिखाया है कि प्यार में होते हुए किसी के साथ आपका प्यार खत्म भी हो सकता है, किसी के लिए आपकी फीलिंग खत्म भी हो जाती है, और इस फिल्म में उस चीज़ को बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है दोनों कैरेक्टर्स के साथ। अब होता क्या है कि जो अनन्या पांडे होती हैं वो दीपिका पादुकोण की कज़न होती हैं। अब वो दोनों, दीपिका पादुकोण की जो लाइफ होती है वो मैसअप होती है, एकदम मैस्ड अप होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है अपनी लाइफ से, उनका पास्ट जो होता है वो अपने पास्ट को भुला नहीं पाती हैं, और इसके साथ साथ जो उनका बॉयफ्रेंड भी होता है वो एकदम, मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है वो, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, एक वेकेशन पे जाते हैं, यानी चारों मिलके एक वेकेशन पे जाते हैं, और वहाँ पे दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ चतुर्वेदी मिलते हैं। अब दीपिका पादुकोण की कहानी की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की लव लाइफ के बारे में। अब क्या होता है कि वहाँ पे सिद्धार्थ चतुर्वेदी को ये फील होता है कि जैसे मैं पहले अनन्या से प्यार करता था, यानी जैसे मैं पहले टिया से प्यार करता था, वैसे अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, और वहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि ये हमारे बीच का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से ख़त्म हो गया है। और दोनों ही, यानी सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण, किसी ना किसी की तलाश में रहते, कुछ अधूरेपन की तलाश में रहते हैं, और वो अधूरापन जाके ख़त्म होता है जब वो एक वेकेशन पर मिलते हैं, और वेकेशन पर जब वो वहाँ पर मिलते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ मिल जाती है जो उन्हें कई सालों से तलाश थी, यानी उन दोनों का साथ। बट अगर रिश्ते इतने ज़्यादा आसान होते, इतने ज़्यादा सुलझे हुए होते तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाती, बट रिश्ते इतने आसानी से नहीं सुलझते, रिश्तों पे बहुत काम करना पड़ता है, और उनका काम करना यहाँ से शुरू होता है। धीरे धीरे उनका रिलेशन आगे बढ़ता है, वो रिलेशन के नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर होता है उनका, और चीटिंग भी करते हैं वो एक दूसरे के साथ, धोखे में भी रखते, जो कि काइंड ऑफ गलत है उस टाइम के लिए, लेकिन उसको दिखाया, और ये भी दिखाया है कि कैसे उस रिश्ते के कारण, उनके रिश्ते के कारण उनके अंदर दरार पड़ने लगती है, और वो दरार सिर्फ उन चारों को ही इफेक्ट नहीं करती, वो दरार कहीं ना कहीं सबको इफेक्ट करती है, उनके पिता को और उनके रिलेशन में उन सबको। और जो फिल्म है उस फिल्म में ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एक बेटी से उसके बाप का रिश्ता, उसके बाद से अगर मैरिज, अगर शादी किसी की होने वाली है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता, और अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उसके बीच का रिश्ता, और ये क्यों होता है, और ये क्यों लोनलीनेस आता है किसी की ज़िंदगी में, और प्यार क्यों ख़त्म होता है, यही सबसे बड़ी बात है इस फिल्म की, जो कि अभी भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोगों ने फिल्म देखे बिना रिव्यू दे डाला है कि अब बहुत बेकार मूवी है, ऐसे मत देखो, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप इसे देखेंगे तो रिलेटेबल मूवी है, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरे को भी लगा था कि बहुत बेकार मूवी होगी, बट मैंने देखा आज सुबह में, मैंने इस फिल्म को देखा और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये फिल्म। फिल्म की जो एंडिंग है, आखिर का जो 30 मिनट है, उसमें जो दीपिका पादुकोण का रोल है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चीटिंग को लीगलाइज़ करूँ या फिर चीटिंग को बोल रहा हूँ कि आप चीटिंग कर सकते हैं, चीटिंग करना चाहिए, नहीं, बेसिकली ये फिल्म इस बात को भी नहीं कहती कि आपको चीटिंग नहीं करना चाहिए, बट अगर आप कुछ हैप्पी एंडिंग तलाश रहे हैं इस फिल्म से, कि जैसे कबीर सिंह था, हैप्पी एंडिंग मिली, अच्छी फिल्म थी लेकिन हैप्पी एंडिंग मिली, बट ये हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म नहीं है, बट आप एंडिंग से ज़रूर सेटिस्फाई होइएगा, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है। ये थोड़ा सा स्पॉयलर भी नहीं था और थोड़ा सा रिव्यू भी था, तो कैसी लगी आपको ये रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिल्म देखे बिना प्लीज़ रिव्यू नहीं दीजिए, जाइए फिल्म देख के आइए, फिर आपको पता चलेगा कि ये फिल्म कितनी ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।